आजकल शादी के लिए लड़के नहीं मिलने पर लोग बिना सोचे समझे बिना जांच पड़ताल के अपने लड़के की शादी करवा देते हैं। इसी के चलते शादी करवाने के बाद ठगी का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय पर पुलिस ने एक फर्जी शादी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में 4 लोग शामिल है जो फर्जी शादी करवा कर लूट को अंजाम देते थे। दुल्हन दूल्हे के घर रात में ही नकदी सहित गहने लेकर फरार हो जाती थी। दुर्गा शंकर सुतार निवासी इंडोरमा पीतमपुर द्वारा 5 दिनों पूर्व कोतवाली थाना बड़वानी में अपने लड़के के साथ हुई फर्जी शादी की शिकायत के बाद एसपी डीआर तेनिवार के निर्देश में पुलिस ने जानकारी जुटाने के बाद फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह को एक लड़के की शादी करवाने के बहाने जाल में फंसाकर लुटेरी गैंग को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि न्यू हाउसिंग बोर्ड बड़वानी निवासी वीरू शर्मा फर्जी शादी करवाने वाला मुख्य सरगना किरण पवार सुनीताबाई चकेलीबाई ये मिलकर शादी के बहाने ठगी करते थे। वीरू शर्मा लड़की किरण की फोटो बताकर किराए से मकान को लड़की वालों को घर दिखाता था। उसी मकान में 21/11/2019 को फरियादी के पुत्र महेंद्र की शादी स्वयं पंडित बन शादी संपन्न करवाई। वहीं लड़के पक्ष द्वारा शाम को अपने घर जाने के बाद देर रात लड़की पक्ष को दिए 70,000 व सोने चांदी के गहने लेकर दुल्हन किरण व उसकी मौसी फरार हो गए थे। लुटेरी दुल्हन द्वारा इससे पहले भी फर्जी शादी कर लोगों को लूटा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। करीब 3-4 दिन पूर्व श्री दुर्गा शंकर जी पांचाल जो पीतमपुर धार इंडोरमा के रहने वाले हैं उन्होंने थाना आकर शिकायत की थी कि मेरा जो बड़ा लड़का महेंद्र है उसकी शादी हमने बड़वानी की किसी लड़की से कराई थी और वो जो शादी हुई उसके बाद बहू हमारे यहाँ 2-4 घंटे ही रुकी। उसके बाद हमारा सोना चांदी और जो पैसा था वो सब लेके चंपत हो गई और उसका पता नहीं चल रहा है। बोले हमारे साथ एक तरह से धोखाधड़ी हुई है। ये जब उन्होंने शिकायत पेश की तो उसकी पूरी विधिवत हमने जांच करने के बाद जो हमारी टीम में उप निरीक्षक मोहन डावर जानी चारेल शिवराम निर्वेल आरक्षक जगजोत अंतर बलवीर इन सभी ने मिलकर जब उसको जाँच किया तो पता पड़ा कि ये मामला पूरा धोखाधड़ी का है जिसपे से एसपी सर श्री डीआर तेनिवार सर के संज्ञान में ला के ये मामला इसमें 420 का पंजीबद्ध किया गया और एसपी सर के निर्देश पर इसमें गंभीरतापूर्वक विवेचना करते हुए ये जो चारों आरोपी हैं इन चारों आरोपियों को हमने अपनी कस्टडी में लिया है। इसमें वीरू शर्मा जो बड़वानी का ही रहने वाला है और जो सुनीता बाई पवार और उनकी लड़की है किरण ये जो है आनंद बेड़ी ठिकरी की रहने वाली है और उसकी जो मौसी चकेली बाई वो बड़वानी भी रहती है। तो ये चारों लोग थे जो एक तरह से एक गिरोह टाइप गैंग बना के काम करते थे और जो शादी का एक तरह से बोल सकते हैं कि फर्जी शादी की व्यवस्था करते थे पूरा अपनी लड़की को दिखा के कि भाई ये बहू लड़की है और लड़के पक्ष को ये लड़की दिखा कर उससे पूरी शादी की बातचीत करते थे सगाई करवाते थे सगाई में भी कुछ पैसे प्राप्त कर लेते थे और बाद में शादी के समय भी पैसे और ज्वेलरी प्राप्त करके लड़की को वहाँ रवाना करते थे और जब लड़की वहाँ पहुँचती थी तो मात्र 2-4 घंटे ही रुकती थी और उसके बाद में वापस वो अपने यहाँ आ जाती थी। इसमें वीरू शर्मा जो है पूरी शादी की व्यवस्था करता था। ये बड़वानी में किराए से कोई अच्छा सा आलीशान मकान ले लिया करता था। उसका 10-15 हज़ार रुपये एक दिन का वो पैसा मांगता था और लड़के पक्ष को बता देता था कि ये लड़की का जो है मकान है इसी में रहते हैं और ये बता के इस टाइप से ये शादी करते तो इस तरह से धोखाधड़ी ये लगातार कर रहे थे। कितने लोग से धोखाधड़ी है अभी जो मामला है ये वाला तो ये हमारे यहाँ बड़वानी का तो पहला मामला है और जब जब इससे पूछताछ की गई तो लड़की की ये तीसरी शादी है। मतलब इसके पहले उदयपुर में भी इसकी शादी हो चुकी थी लेकिन वहाँ से भी पति को ये छोड़ के यहाँ पर आ गई है और अभी इसने एक लव मैरिज भी किया है उसके साथ भी कुछ ही दिन रही और फिर उससे जो पैसा लेना था ज्वेलरी लेना था वो प्राप्त करके उसको भी छोड़ के ये चुपचाप यहाँ रह रही है। और ये उसके बाद ये तीसरा मामला जो है दुर्गा शंकर जी पांचाल के जो लड़के महेंद्र है उसके साथ जो शादी करी ये तीसरी थी जो इस टाइप से इन्होंने धोखाधड़ी की है और इसमें पुलिस ने जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी सब इस लड़की से जब्त कर ली है और नकद भी 40,000 रुपये से बरामद हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।